हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति गुप्ता और वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक इनसाइट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले 10 सालों में बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ग्रोथ स्टॉक्स आखिर में होते क्या है। ग्रोथ स्टॉक्स उन शेयर्स या स्टॉक्स को बोला जाता है जिनमें ग्रोथ मार्केट एवरेज के बियॉन्ड होने की संभावना होती है। तो अगर आप लॉन्ग रन में कुछ ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप ये तीन ग्रोथ स्टॉक्स को परख सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न यह होगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से स्टॉक्स ग्रोथ स्टॉक्स हैं। अब इन स्टॉक्स को चुनने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं। पहला है प्रॉफिट मार्जिन्स, जैसे वो कंपनीज जिनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता दिखाई दे रहा है, इन कंपनीज में रिस्क इनिशियली कम होता है और ये नए इन्वेस्टर्स जो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट या निवेश करना चाहते हो उनके लिए सही होता है। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग सेल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड यानी तीसरा पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी। आपको ये देखना है कि कंपनी का जो आरओई है वो हाई है या नहीं, क्योंकि ये उस कंपनी के इफेक्टिव कैपिटल मैनेजमेंट को दर्शाता है। अगला है डेट मैनेजमेंट। आपको ये भी देखना है कि कंपनी का जो आरओई है उसमें डेट की भूमिका अधिक तो नहीं है। और लास्ट है प्रोजेक्टेड अर्निंग्स, जो कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का संकेत देता है। तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये तीन स्टॉक्स जिसकी चर्चा अब हम करेंगे उसे हमने सिलेक्ट किया है। आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट या निवेश करने से पहले आपको उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब हर एक स्टॉक के बैकग्राउंड को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इन तीन स्टॉक्स में सबसे पहला है CDSL। दिस इज़ वन ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज इन इंडिया एंड आई एम श्योर दैट आप इस कंपनी के बारे में अवेयर होंगे। आज की डेट में CDSL हैज़ ओवर 57,859 करोड़ सिक्योरिटीज, विच रिप्रेजेंट्स अ टोटल वैल्यू ऑफ 37,29,608 करोड़। और इनके जो टोटल इन्वेस्टर अकाउंट्स हैं वो लगभग 6 करोड़ से भी अधिक हैं। नेक्स्ट है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। ये एक इमर्जिंग केमिकल कंपनी है। इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंट और ये एंड यूज़र इंडस्ट्रीज जैसे कि आपका एग्रोकेमिकल्स हो गया, रबर, टेक्सटाइल, डिटर्जेंट एक्सेट्रा को भी ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। उसके बाद है आपका APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। ये इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स और पाइप्स का इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्ड सेगमेंट। एंड दिस कंपनी हैज़ अ ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लेवल एज वेल। अब इन सब कंपनीज के बारे में डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो आप स्टॉकेज में पब्लिश जो केस स्टडी सेक्शन है उसे जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप अपने रिस्क एपेटाइट को ज़रूर समझें और उसके बाद ही किसी भी तरह का निवेश करें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द स्टॉकेज ऐप, जहाँ आपको हर एक स्टॉक्स की रिलेटेड जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है फ्यू क्लिक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।